पौधों से भी बरसती है कृपा। सावन का महीना शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में अगर घर में कुछ पौधे लगाए जाएं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस पावन मास में कौन से पौधे लगाना भाग्यशाली होता है। तुलसी, वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से भगवान शंकर पर तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित है, लेकिन सावन मास में तुलसी का पौधा घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने को कहा जाता है और सावन मास में तुलसी लगाने को। ऐसा इसलिए ताकि कार्तिक मास आने तक तुलसी आपके परिवार की सदस्य बन जाए। घर में लगाने के लिए रमा और श्यामा दोनों ही तुलसी बहुत शुभ होती हैं, लेकिन पूजा पाठ में रमा तुलसी का उपयोग होने के कारण अधिकांश घरों में रमा तुलसी ही लगाई जाती है। इससे तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। वहीं तुलसी लगाने के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है। रमा तुलसी, रमा तुलसी के पत्ते हरे रंग के होते हैं। मानता है कि रमा तुलसी भगवान राम को बहुत प्रिय थी, इसलिए इसे रमा तुलसी कहते हैं। रमा तुलसी के पत्ते बहुत मीठे होते हैं और इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पूजा पाठ में रमा तुलसी का ही उपयोग किया जाता है। श्यामा तुलसी, श्यामा तुलसी के पत्ते गहरे हरे रंग या बैंगनी रंग के होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक श्यामा तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद थी। कान्हा का एक नाम श्यामा भी था, इसलिए इस तुलसी को श्यामा तुलसी कहते हैं। इसमें रामा तुलसी की तुलना में कम मीठापन होता है। चंपा, चंपा का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ अच्छी खुशबू से भी लबालब होता है। यह भगवान शिव को चढ़ाने का बेहतर ऑप्शन है। इस पौधे में सफ़ेद और पीले मिक्स रंग के फूल आते हैं। बता दें कि इन पौधों में निकलने वाली खुशबू तनाव आदि को कम करने में बेहद असरदार माने जाते हैं। बेलपत्र, बेलपत्र सबसे पवित्र माना जाता है। इसके पत्ते भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। इन बेलपत्तों को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। इस पौधे की पत्तियाँ ही नहीं, फल और छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। रुद्रास, सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है, जिसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में घर में रुद्रास का पौधा लगाने से घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। रुद्रास का पौधा लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अनार, यह पौधा दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन सावन माह में इसे लगाने का अलग ही महत्व है। अनार के पौधे को घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर रात के समय लगाना शुभ माना जाता है। रात में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तंत्र मंत्र की चीज़ों से भी अनार का पेड़ बचाव करता है। कनेर, इस पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है। कनेर का पौधा अलग अलग रंगों के फूलों के कारण कई तरह का होता है, लेकिन इसको लगाने का फल एक सा ही प्राप्त होता है। इसे लगाने से घर में धन संबंधी समस्या दूर होती है और परिवार में समृद्धि आती है। पारिजात, हरिशृंगार, माना जाता है कि जिस घर में पारिजात का पौधा होता है वहां हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है, इसलिए सावन के महीने में इसे घर में लगाना शुभ होता है। केला, यह पौधा भी सावन के महीने में ही सौभाग्य लेकर आता है, लेकिन जरूरी है कि इसे सही जगह लगाएं। केले के पौधे को हमेशा घर के पीछे लगाना चाहिए, इसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर के सामने केले का पौधा लगाने से वंश वृद्धि रुक सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें और केले के पौधे को घर के पीछे ही लगाएं। शमी, सावन मास में शमी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। पीपल, वैसे तो घर में पीपल का पौधा लगाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सावन मास में आप इसे किसी पार्क या खुली जगह पर लगा सकती हैं। पीपल के पौधे को लगाने के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है।
धतूरा। शिव जी की पूजा करते समय धतूरा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये महादेव का प्रिय होता है। सोमवार के दिन इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो होता ही है, बल्कि ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर शिव जी की कृपा जल्द ही पाना चाहते हैं तो इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। आंख का पौधा। ये पौधा शिव शंभू को बहुत ही प्रिय होता है। ये लाल और सफ़ेद दो रंगों का होता है। वास्तु के अनुसार इसे लगाने से घर में भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है और धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती है। इसमें से कोई भी पौधा आप घर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।